कोरहा पत्रकार संघ ने अररिया के पत्रकार विमल यादव को दिया भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अररिया जिला के रानीगंज के एक हिंदी दैनिक अखबार के संवाददाता विमल यादव का बीते दिनों दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या के विरोध में बुधवार को कोरहा प्रखंड क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार ने कैंडल मार्च निकालकर एवं उनके तेलचित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च का नेतृत्व पत्रकार रमन कुमार ने की। इस दौरान पत्रकार के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र के भाजपा के दर्जनों नेता, मुख्य पार्षद धीरज कुमार सिंह, जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता वकील दास, कांग्रेस के सोनू खान, जकी, रमन झा समेत कई मुखिया, समाजसेवी और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। सभी अररिया जिला के रानीगंज में एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार विमल यादव जी की हत्या की इस दुखद घटना पर खेद जताया तथा मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने तथा मृतक के पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। कैंडल मार्च बाबा भीमराव अंबेडकर भवन से निकलकर पुराने हॉस्पिटल से होते हुए गेराबारी बाजार का भ्रमण करते हुए दुर्गा मंदिर तक निकली गई। इस दौरान पत्रकार स्वर्गीय विमल यादव अमर रहे, हथियारों को फांसी दो के नारे फिजा में गूंज उठी। मौके पर मुख्य पार्षद धीरज कुमार सिंह ने कहा कि अररिया जिला के पत्रकारों के साथ हुई घटना दुखद है, अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इस दौरान भाजपा नेता रमन झा ने कहा कि बिहार एक बार फिर जंगल राज स्थापित हो गया है। हर दिन कहीं न कहीं हत्या, लूट, बलात्कार की घटना हो रही है। अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है, कभी मुखिया तो कभी आम जन तो कभी, अब तक चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार की हत्या की जा रही है। अब बिहार में कोई सुरक्षित नहीं दिख रहा है। सरकार को चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा को देखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लानी चाहिए। पत्रकार संघ के अध्यक्ष रमन कुमार ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार विमल यादव की हत्या एक दुखद घटना है। पत्रकार विमल यादव के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए सरकारी मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग किया। वहीं मौके पर आने पत्रकार ने भी कहा कि हत्यारा को सजा दिलाने व मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जन अधिकार पार्टी के नेता वकील दास ने कहा कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हो गई है, ऐसे में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है जो सरासर कानूनन व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इस दौरान एडीजी खुशबू, समीर कुमार, नारायण झा, मोहम्मद इम्तियाज, तौफिक आलम, श्रवण कुमार, ब्रिजेश सिंह, सूरज गुप्ता, शंभुदास, मोहम्मद मजबूर एवं कई समाज सेवी चंदन चौधरी, मीर सुहेल, डोमन चौधरी, मनोज सिंह, टीनू भगत, जमशेद, साजिद आलम, सुनोवर आलम, मासूम रजा, अमित कुमार, राकेश कुमार आदि मौजूद थे। पत्रकार संघ के द्वारा विमल यादव को जो दैनिक जागरण के विद्वान पत्रकार थे, जो रानीगंज का पूरे अररिया जो जन समस्या को प्रमुखता से उठाते थे, और जहां तक मेरी जानकारी है विमल यादव जी की हत्या रानीगंज के थानेदार की भी भूमिका संदेहास्पद है, चूंकि रानीगंज के जो थानेदार हैं वह पशु तस्करों से मिले हुए, और वो भवेश यादव जो है वो पशु तस्करों का रैकेट चलाता है, और इस हत्या में निश्चित रूप से रानीगंज के थानेदार भी दोषी हैं, और पशु तस्करों का जो रैकेट है, चूंकि विमल यादव जी पशु तस्करों के खिलाफ लिखते थे, कहीं न कहीं उनकी हत्या में पशु तस्करों का हाथ है, और रानीगंज के थानादार का संरक्षण जो भवेश यादव है वो पशु तस्कर है, उसका पूरा का पूरा हाथ है। हम लोग विमल यादव जी की हत्या से काफी मर्माहत है, वह पत्रकार नहीं, वह सच्चा जनसेवक भी थे, लोगों की समस्याओं को उठाते थे। उनकी हत्या एक साजिश और षड्यंत्र के तहत की गई है, इसमें कई सफेदपोश और रानीगंज के थानेदार भी संलिप्त हैं, और ये निश्चित रूप से वह भवेश यादव जो है वह पशु तस्कर का रैकेट चलाता है, पूरे अररिया जिला के सारे लोग जानते हैं, और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सिर्फ कागजी प्रक्रिया करके उन लोगों को गिरफ्तार कर लेने से विमल यादव जी को न्याय नहीं मिलेगा, और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं विमल यादव जी के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके आश्रित का जो है भरण पोषण की व्यवस्था की जाए,
यही हमारा जो है मांग है। और हम लोग जो है पत्रकार संघ के इस दुखदायी घड़ी में उनके साथ में कैंडल मार्च में स्वयं उपस्थित हैं, और पूरा यहाँ का जनसमूह, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं आज की इस कैंडल मार्च में। हम लोग विमल यादव जी को श्रद्धांजलि। ऐसा फोटो भी वायरल हुआ है थानेदार के साथ चाय की चुस्की लेते हुए जी, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भवेश यादव है वह पशु तस्कर का रैकेट चलाता है रानीगंज में, और वह थाना में गलत कार्य को लेके बराबर जाता था। उन्हीं लोगों के द्वारा जो है ये हत्या की साजिश की गई है, जिसमें वहाँ के रानीगंज के थानेदार भी संलिप्त हैं, और वहाँ के एसपी से हम मांग करते हैं कि रानीगंज के थानेदार के ऊपर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा धीरज जी, एक चीज बताइए धीरज जी, कि पत्रकारों की हत्या उन आज एकजुट हुए हैं कैंडल मार्च जाकर, क्या क्या कह रहे हैं? हम बता देना चाहते हैं कि अररिया में हमारे साथी पत्रकार विमल यादव की जो हत्या की गई है उसी के विरोध में हम लोग कैंडल मार्च श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे, और इसमें जो है हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं। जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनों की आवाज उठाने का कार्य कौन करेंगे? इसके लिए सरकार को चाहिए कि अविलंब जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे, ताकि हम लोग जो है दूसरे की समस्या को लेकर खबर को प्रकाशित करने का काम करें। आपका परिचय? शंभु कुमार, संवाददाता कोड़ा। आज एकजुट हुए हैं कैंडल, आप लोग जो है कैंडल मार्च निकाले, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो गई, इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, ताकि हम लोग पत्रकार की समस्या को लेकर घर में घुस के हत्या हुई है। ये बिहार सरकार पे पूरा बहुत ही खराब स्थिति है, बिहार की बहुत निकी स्थिति है कि बिहार में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है वो घर के अंदर। आपका पूरा परिचय? मिथुनपुर में समाज से। आप लोग जो है कैंडल मार्च निकाले, इसको लेकर हम लोग मिल करके आंदोलन करने का काम करेंगे, और उस हत्यारे को सजा दिलवाएंगे, और पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वकील दास, जन अधिकार पार्टी प्रदेश महासचिव बिहार। हम लोग मिल करके आंदोलन करने का काम। कैंडल मार्च जलाकर जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? अररिया जिले के दिवंगत पत्रकार की निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकार और जनप्रतिनिधि ने कैंडल मार्च निकाला है, और पत्रकार को न्याय मिले, उनके परिवारों को सुरक्षा हो, और सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, इसके सपोर्ट में पत्रकार जनप्रतिनिधि ने कैंडल मार्च निकाला। सर आपका परिचय? अध्यक्ष है कोढ़ा हल्का पत्रकार संघ के। पत्रकारों की निर्मम हत्या हो जाती है, इस विषय में क्या कहना है? प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो गई है, आम लोग सुरक्षित नहीं है, लोगों की सुरक्षा सरकार को होनी चाहिए, और जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में और देश में रहने वाले आम लोग कितना सुरक्षित रहे? सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, और इसके सुधार के लिए पत्रकार जनप्रतिनिधि ने आज कैंडल मार्च निकाला।